मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप अनिल कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर फैंस नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आज की इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम परिंदा मूवी की रिव्यू करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि परिंदा मूवी कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी, यह हिट हुई थी या फ्लॉप, और इसी के साथ इसके मुख्य भूमिका में कौन कौन से एक्टर्स नज़र आए थे, इन सभी के बारे में हम एक एक करके सारी बातें बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मित्रों, दोस्तों, परिंदा मूवी 1989 में बनी एक हिंदी भाषा की नाटकीय फिल्म है, जिसका निर्मित यानी कि इसके जो डायरेक्टर थे वो विधु विनोद चोपड़ा थे और इसके मुख्य भूमिका में लीड रोल में नज़र आने वाले अभिनेता जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर, अनुपम खेर थे और इसके जो पटकथा थे वह शिव कुमार सुब्रमण्यम थे। यह फिल्म 3 नवंबर 1989 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और यह एक हिंदी भाषा की फिल्म थी। इस फिल्म में आपको दिखाई देगा किशन, जैकी श्रॉफ और करण अनिल कपूर दोनों भाई मुंबई की गलियों में पले बड़े होते हैं। करण को अच्छी शिक्षा मिलती है और वो आगे बढ़ जाता है, इस कारण किशन को अन्ना सेठ यानी नाना पाटेकर के गैंग में शामिल होना पड़ता है। अन्ना अपने काले धंधे को छुपाने के लिए एक तेल के कारोबार को चलाता है। यह मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी एंटरटेनिंग रहेगी, तो अनिल कपूर के सारे फैंस इस मूवी को देखकर खुश ज़रूर होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप अनिल कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर फैंस नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आज की इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम परिंदा मूवी की रिव्यू करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि परिंदा मूवी कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी, यह हिट हुई थी या फ्लॉप, और इसी के साथ इसके मुख्य भूमिका में कौन कौन से एक्टर्स नज़र आए थे, इन सभी के बारे में हम एक एक करके सारी बातें बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मित्रों, दोस्तों, परिंदा मूवी 1989 में बनी एक हिंदी भाषा की नाटकीय फिल्म है, जिसका निर्मित यानी कि इसके जो डायरेक्टर थे वो विधु विनोद चोपड़ा थे और इसके मुख्य भूमिका में लीड रोल में नज़र आने वाले अभिनेता जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर, अनुपम खेर थे और इसके जो पटकथा थे वह शिव कुमार सुब्रमण्यम थे। यह फिल्म 3 नवंबर 1989 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और यह एक हिंदी भाषा की फिल्म थी। इस फिल्म में आपको दिखाई देगा किशन, जैकी श्रॉफ और करण अनिल कपूर दोनों भाई मुंबई की गलियों में पले बड़े होते हैं। करण को अच्छी शिक्षा मिलती है और वो आगे बढ़ जाता है, इस कारण किशन को अन्ना सेठ यानी नाना पाटेकर के गैंग में शामिल होना पड़ता है। अन्ना अपने काले धंधे को छुपाने के लिए एक तेल के कारोबार को चलाता है। यह मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी एंटरटेनिंग रहेगी, तो अनिल कपूर के सारे फैंस इस मूवी को देखकर खुश ज़रूर होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप अनिल कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।
अगर फैंस नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आज की इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम परिंदा मूवी की रिव्यू करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि परिंदा मूवी कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी, यह हिट हुई थी या फ्लॉप, और इसी के साथ इसके मुख्य भूमिका में कौन कौन से एक्टर्स नज़र आए थे। इन सभी के बारे में हम एक एक करके सारी बातें बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मित्रों दोस्तों, परिंदा मूवी 1989 में बनी एक हिंदी भाषा की नाटकीय फिल्म है, जिसका निर्मित यानी कि इसके जो डायरेक्टर थे वो विधु विनोद चोपड़ा थे, और इसके मुख्य भूमिका में लीड रोल में नज़र आने वाले अभिनेता जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर, अनुपम खेर थे, और इसके जो पटकथा थे वह शिव कुमार सुब्रमण्यम थे। यह फिल्म 3 नवंबर 1989 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और यह एक हिंदी भाषा की फिल्म थी। इस फिल्म में आपको दिखाई देगा किशन, जैकी श्रॉफ और करण अनिल कपूर दोनों भाई मुंबई की गलियों में पले बड़े होते हैं। करण को अच्छी शिक्षा मिलती है और वो आगे बढ़ जाता है, इस कारण किशन को अन्ना सेठ यानी नाना पाटेकर के गैंग में शामिल होना पड़ता है। अन्ना अपने काले धंधे को छुपाने के लिए एक तेल के कारोबार को चलाता है। यह मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंटरटेनिंग रहेगी, तो अनिल कपूर के सारे फैंस इस मूवी को देखकर खुश ज़रूर होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में। आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप अनिल कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर फैंस नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आज की इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम परिंदा मूवी की रिव्यू करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि परिंदा मूवी कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी, यह हिट हुई थी या फ्लॉप, और इसी के साथ इसके मुख्य भूमिका में कौन कौन से एक्टर्स नज़र आए थे। इन सभी के बारे में हम एक एक करके सारी बातें बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मित्रों दोस्तों, परिंदा मूवी 1989 में बनी एक हिंदी भाषा की नाटकीय फिल्म है, जिसका निर्मित यानी कि इसके जो डायरेक्टर थे वो विधु विनोद चोपड़ा थे, और इसके मुख्य भूमिका में लीड रोल में नज़र आने वाले अभिनेता जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर, अनुपम खेर थे, और इसके जो पटकथा थे वह शिव कुमार सुब्रमण्यम थे। यह फिल्म 3 नवंबर 1989 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और यह एक हिंदी भाषा की फिल्म थी। इस फिल्म में आपको दिखाई देगा किशन, जैकी श्रॉफ और करण अनिल कपूर दोनों भाई मुंबई की गलियों में पले बड़े होते हैं। करण को अच्छी शिक्षा मिलती है और वो आगे बढ़ जाता है, इस कारण किशन को अन्ना सेठ यानी नाना पाटेकर के गैंग में शामिल होना पड़ता है। अन्ना अपने काले धंधे को छुपाने के लिए एक तेल के कारोबार को चलाता है। यह मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंटरटेनिंग रहेगी, तो अनिल कपूर के सारे फैंस इस मूवी को देखकर खुश ज़रूर होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में। आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप अनिल कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर फैंस नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आज की इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम परिंदा मूवी की रिव्यू करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं
कि परिंदा मूवी कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी, यह हिट हुई थी या फ्लॉप, और इसी के साथ इसके मुख्य भूमिका में कौन कौन से एक्टर्स नज़र आए थे, इन सभी के बारे में हम एक एक करके सारी बातें बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मित्रों दोस्तों, परिंदा मूवी 1989 में बनी एक हिंदी भाषा की नाटकीय फिल्म है, जिसका निर्मित यानी कि इसके जो डायरेक्टर थे वो विधु विनोद चोपड़ा थे, और इसके मुख्य भूमिका में लीड रोल में नज़र आने वाले अभिनेता जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर, अनुपम खेर थे, और इसके जो पटकथा थे वह शिव कुमार सुब्रमण्यम थे। यह फिल्म 3 नवंबर 1989 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और यह एक हिंदी भाषा की फिल्म थी। इस फिल्म में आपको दिखाई देगा किशन, जैकी श्रॉफ और करण अनिल कपूर दोनों भाई मुंबई की गलियों में पले बड़े होते हैं। करण को अच्छी शिक्षा मिलती है और वो आगे बढ़ जाता है। इस कारण किशन को अन्ना सेठ यानी नाना पाटेकर के गैंग में शामिल होना पड़ता है। अन्ना अपने काले धंधे को छुपाने के लिए एक तेल के कारोबार को चलाता है। यह मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंटरटेनिंग रहेगी, तो अनिल कपूर के सारे फैंस इस मूवी को देखकर खुश ज़रूर होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप अनिल कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर फैंस नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आज की इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम परिंदा मूवी की रिव्यू करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि परिंदा मूवी कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी, यह हिट हुई थी या फ्लॉप, और इसी के साथ इसके मुख्य भूमिका में कौन कौन से एक्टर्स नज़र आए थे, इन सभी के बारे में हम एक एक करके सारी बातें बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मित्रों दोस्तों, परिंदा मूवी 1989 में बनी एक हिंदी भाषा की नाटकीय फिल्म है, जिसका निर्मित यानी कि इसके जो डायरेक्टर थे वो विधु विनोद चोपड़ा थे, और इसके मुख्य भूमिका में लीड रोल में नज़र आने वाले अभिनेता जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर, अनुपम खेर थे, और इसके जो पटकथा थे वह शिव कुमार सुब्रमण्यम थे। यह फिल्म 3 नवंबर 1989 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और यह एक हिंदी भाषा की फिल्म थी। इस फिल्म में आपको दिखाई देगा किशन, जैकी श्रॉफ और करण अनिल कपूर दोनों भाई मुंबई की गलियों में पले बड़े होते हैं। करण को अच्छी शिक्षा मिलती है और वो आगे बढ़ जाता है। इस कारण किशन को अन्ना सेठ यानी नाना पाटेकर के गैंग में शामिल होना पड़ता है। अन्ना अपने काले धंधे को छुपाने के लिए एक तेल के कारोबार को चलाता है। यह मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंटरटेनिंग रहेगी, तो अनिल कपूर के सारे फैंस इस मूवी को देखकर खुश ज़रूर होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप अनिल कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर फैंस नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आज की इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम परिंदा मूवी की रिव्यू करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि परिंदा मूवी कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी, यह हिट हुई थी या फ्लॉप,
और इसी के साथ इसके मुख्य भूमिका में कौन कौन से एक्टर्स नज़र आए थे, इन सभी के बारे में हम एक एक करके सारी बातें बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मित्रों दोस्तों, परिंदा मूवी 1989 में बनी एक हिंदी भाषा की नाटकीय फिल्म है, जिसका निर्मित यानी कि इसके जो डायरेक्टर थे वो विधु विनोद चोपड़ा थे, और इसके मुख्य भूमिका में लीड रोल में नज़र आने वाले अभिनेता जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर, अनुपम खेर थे। और इसके जो पटकथा थे वह शिव कुमार सुब्रमण्यम थे। यह फिल्म 3 नवंबर 1989 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी, और यह एक हिंदी भाषा की फिल्म थी। इस फिल्म में आपको दिखाई देगा किशन, जैकी श्रॉफ और करण अनिल कपूर, दोनों भाई मुंबई की गलियों में पले बड़े होते हैं। करण को अच्छी शिक्षा मिलती है और वो आगे बढ़ जाता है। इस कारण किशन को अन्ना सेठ यानी नाना पाटेकर के गैंग में शामिल होना पड़ता है। अन्ना अपने काले धंधे को छुपाने के लिए एक तेल के कारोबार को चलाता है। यह मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंटरटेनिंग रहेगी, तो अनिल कपूर के सारे फैंस इस मूवी को देखकर खुश ज़रूर होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिल मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप अनिल कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर फैंस नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आज की इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम परिंदा मूवी की रिव्यू करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि परिंदा मूवी कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी, यह हिट हुई थी या फ्लॉप, और इसी के साथ इसके मुख्य भूमिका में कौन कौन से एक्टर्स नज़र आए थे, इन सभी के बारे में हम एक एक करके सारी बातें बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मित्रों दोस्तों, परिंदा मूवी 1989 में बनी एक हिंदी भाषा की नाटकीय फिल्म है, जिसका निर्मित यानी कि इसके जो डायरेक्टर थे वो विधु विनोद चोपड़ा थे, और इसके मुख्य भूमिका में लीड रोल में नज़र आने वाले अभिनेता जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर, अनुपम खेर थे। और इसके जो पटकथा थे वह शिव कुमार सुब्रमण्यम थे। यह फिल्म 3 नवंबर 1989 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी, और यह एक हिंदी भाषा की फिल्म थी। इस फिल्म में आपको दिखाई देगा किशन, जैकी श्रॉफ और करण अनिल कपूर, दोनों भाई मुंबई की गलियों में पले बड़े होते हैं। करण को अच्छी शिक्षा मिलती है और वो आगे बढ़ जाता है। इस कारण किशन को अन्ना सेठ यानी नाना पाटेकर के गैंग में शामिल होना पड़ता है। अन्ना अपने काले धंधे को छुपाने के लिए एक तेल के कारोबार को चलाता है। यह मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंटरटेनिंग रहेगी, तो अनिल कपूर के सारे फैंस इस मूवी को देखकर खुश ज़रूर होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिल मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप अनिल कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर फैंस नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आज की इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम परिंदा मूवी की रिव्यू करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि परिंदा मूवी कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी, यह हिट हुई थी या फ्लॉप, और इसी के साथ इसके मुख्य भूमिका में कौन कौन से एक्टर्स नज़र आए थे, इन सभी के बारे में हम एक एक करके सारी बातें बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू
जरूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मित्रों दोस्तों, परिंदा मूवी 1989 में बनी एक हिंदी भाषा की नाटकीय फिल्म है, जिसका निर्मित यानी कि इसके जो डायरेक्टर थे वो विधु विनोद चोपड़ा थे, और इसके मुख्य भूमिका में लीड रोल में नज़र आने वाले अभिनेता जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर, अनुपम खेर थे, और इसके जो पटकथा थे वह शिव कुमार सुब्रमण्यम थे। यह फिल्म 3 नवंबर 1989 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और यह एक हिंदी भाषा की फिल्म थी। इस फिल्म में आपको दिखाई देगा किशन, जैकी श्रॉफ और करण अनिल कपूर दोनों भाई मुंबई की गलियों में पले बड़े होते हैं। करण को अच्छी शिक्षा मिलती है और वो आगे बढ़ जाता है। इस कारण किशन को अन्ना सेठ यानी नाना पाटेकर के गैंग में शामिल होना पड़ता है। अन्ना अपने काले धंधे को छुपाने के लिए एक तेल के कारोबार को चलाता है। यह मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंटरटेनिंग रहेगी, तो अनिल कपूर के सारे फैंस इस मूवी को देखकर खुश जरूर होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में। आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप अनिल कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर फैंस नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आज की इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम परिंदा मूवी की रिव्यू करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि परिंदा मूवी कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी, यह हिट हुई थी या फ्लॉप, और इसी के साथ इसके मुख्य भूमिका में कौन कौन से एक्टर्स नज़र आए थे, इन सभी के बारे में हम एक एक करके सारी बातें बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मित्रों दोस्तों, परिंदा मूवी 1989 में बनी एक हिंदी भाषा की नाटकीय फिल्म है, जिसका निर्मित यानी कि इसके जो डायरेक्टर थे वो विधु विनोद चोपड़ा थे, और इसके मुख्य भूमिका में लीड रोल में नज़र आने वाले अभिनेता जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर, अनुपम खेर थे, और इसके जो पटकथा थे वह शिव कुमार सुब्रमण्यम थे। यह फिल्म 3 नवंबर 1989 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और यह एक हिंदी भाषा की फिल्म थी। इस फिल्म में आपको दिखाई देगा किशन, जैकी श्रॉफ और करण अनिल कपूर दोनों भाई मुंबई की गलियों में पले बड़े होते हैं। करण को अच्छी शिक्षा मिलती है और वो आगे बढ़ जाता है। इस कारण किशन को अन्ना सेठ यानी नाना पाटेकर के गैंग में शामिल होना पड़ता है। अन्ना अपने काले धंधे को छुपाने के लिए एक तेल के कारोबार को चलाता है। यह मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंटरटेनिंग रहेगी, तो अनिल कपूर के सारे फैंस इस मूवी को देखकर खुश जरूर होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में। आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप अनिल कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर फैंस नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आज की इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम परिंदा मूवी की रिव्यू करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि परिंदा मूवी कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी, यह हिट हुई थी या फ्लॉप, और इसी के साथ इसके मुख्य भूमिका में कौन कौन से एक्टर्स नज़र आए थे, इन सभी के बारे में हम एक एक करके सारी बातें बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मित्रों दोस्तों, परिंदा मूवी 1989 में बनी
एक हिंदी भाषा की नाटकीय फिल्म है जिसका निर्मित यानी कि इसके जो डायरेक्टर थे वो विधु विनोद चोपड़ा थे, और इसके मुख्य भूमिका में लीड रोल में नजर आने वाले अभिनेता जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर, अनुपम खेर थे। और इसके जो पटकथा थे वह शिव कुमार सुब्रमण्यम थे। यह फिल्म 3 नवंबर 1989 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और यह एक हिंदी भाषा की फिल्म थी। इस फिल्म में आपको दिखाई देगा किशन, जैकी श्रॉफ और करण अनिल कपूर दोनों भाई मुंबई की गलियों में पले बड़े होते हैं। करण को अच्छी शिक्षा मिलती है और वो आगे बढ़ जाता है। इस कारण किशन को अन्ना सेठ यानी नाना पाटेकर के गैंग में शामिल होना पड़ता है। अन्ना अपने काले धंधे को छुपाने के लिए एक तेल के कारोबार को चलाता है। यह मूवी काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंटरटेनिंग रहेगी, तो अनिल कपूर के सारे फैंस इस मूवी को देखकर खुश जरूर होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिल मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप अनिल कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर फैंस नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आज की इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम परिंदा मूवी की रिव्यू करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि परिंदा मूवी कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी, यह हिट हुई थी या फ्लॉप, और इसी के साथ इसके मुख्य भूमिका में कौन कौन से एक्टर्स नज़र आए थे। इन सभी के बारे में हम एक एक करके सारी बातें बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मित्रों, दोस्तों, परिंदा मूवी 1989 में बनी एक हिंदी भाषा की नाटकीय फिल्म है जिसका निर्मित यानी कि इसके जो डायरेक्टर थे वो विधु विनोद चोपड़ा थे, और इसके मुख्य भूमिका में लीड रोल में नज़र आने वाले अभिनेता जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर, अनुपम खेर थे। और इसके जो पटकथा थे वह शिव कुमार सुब्रमण्यम थे। यह फिल्म 3 नवंबर 1989 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और यह एक हिंदी भाषा की फिल्म थी। इस फिल्म में आपको दिखाई देगा किशन, जैकी श्रॉफ और करण अनिल कपूर दोनों भाई मुंबई की गलियों में पले बड़े होते हैं। करण को अच्छी शिक्षा मिलती है और वो आगे बढ़ जाता है। इस कारण किशन को अन्ना सेठ यानी नाना पाटेकर के गैंग में शामिल होना पड़ता है। अन्ना अपने काले धंधे को छुपाने के लिए एक तेल के कारोबार को चलाता है। यह मूवी काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंटरटेनिंग रहेगी, तो अनिल कपूर के सारे फैंस इस मूवी को देखकर खुश जरूर होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिल मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप अनिल कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर फैंस नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आज की इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम परिंदा मूवी की रिव्यू करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि परिंदा मूवी कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी, यह हिट हुई थी या फ्लॉप, और इसी के साथ इसके मुख्य भूमिका में कौन कौन से एक्टर्स नज़र आए थे। इन सभी के बारे में हम एक एक करके सारी बातें बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मित्रों, दोस्तों, परिंदा मूवी 1989 में बनी एक हिंदी भाषा की नाटकीय फिल्म है जिसका निर्मित यानी कि इसके जो डायरेक्टर थे वो विधु विनोद चोपड़ा थे, और इसके मुख्य भूमिका में
लीड रोल में नजर आने वाले अभिनेता जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर, अनुपम खेर थे। और इसके जो पटकथा थे वह शिव कुमार सुब्रमण्यम थे। यह फिल्म 3 नवंबर 1989 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और यह एक हिंदी भाषा की फिल्म थी। इस फिल्म में आपको दिखाई देगा किशन, जैकी श्रॉफ और करण अनिल कपूर दोनों भाई मुंबई की गलियों में पले बड़े होते हैं। करण को अच्छी शिक्षा मिलती है और वो आगे बढ़ जाता है। इस कारण किशन को अन्ना सेठ यानी नाना पाटेकर के गैंग में शामिल होना पड़ता है। अन्ना अपने काले धंधे को छुपाने के लिए एक तेल के कारोबार को चलाता है। यह मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंटरटेनिंग रहेगी, तो अनिल कपूर के सारे फैंस इस मूवी को देखकर खुश जरूर होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप अनिल कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर फैंस नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आज की इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम परिंदा मूवी की रिव्यू करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि परिंदा मूवी कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी, यह हिट हुई थी या फ्लॉप, और इसी के साथ इसके मुख्य भूमिका में कौन कौन से एक्टर्स नज़र आए थे, इन सभी के बारे में हम एक एक करके सारी बातें बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मित्रों, दोस्तों, परिंदा मूवी 1989 में बनी एक हिंदी भाषा की नाटकीय फिल्म है, जिसका निर्मित यानी कि इसके जो डायरेक्टर थे वो विधु विनोद चोपड़ा थे और इसके मुख्य भूमिका में लीड रोल में नज़र आने वाले अभिनेता जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर, अनुपम खेर थे। और इसके जो पटकथा थे वह शिव कुमार सुब्रमण्यम थे। यह फिल्म 3 नवंबर 1989 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और यह एक हिंदी भाषा की फिल्म थी। इस फिल्म में आपको दिखाई देगा किशन, जैकी श्रॉफ और करण अनिल कपूर दोनों भाई मुंबई की गलियों में पले बड़े होते हैं। करण को अच्छी शिक्षा मिलती है और वो आगे बढ़ जाता है। इस कारण किशन को अन्ना सेठ यानी नाना पाटेकर के गैंग में शामिल होना पड़ता है। अन्ना अपने काले धंधे को छुपाने के लिए एक तेल के कारोबार को चलाता है। यह मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंटरटेनिंग रहेगी, तो अनिल कपूर के सारे फैंस इस मूवी को देखकर खुश जरूर होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप अनिल कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर फैंस नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आज की इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम परिंदा मूवी की रिव्यू करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि परिंदा मूवी कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी, यह हिट हुई थी या फ्लॉप, और इसी के साथ इसके मुख्य भूमिका में कौन कौन से एक्टर्स नज़र आए थे, इन सभी के बारे में हम एक एक करके सारी बातें बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मित्रों, दोस्तों, परिंदा मूवी 1989 में बनी एक हिंदी भाषा की नाटकीय फिल्म है, जिसका निर्मित यानी कि इसके जो डायरेक्टर थे वो विधु विनोद चोपड़ा थे और इसके मुख्य भूमिका में लीड रोल में नज़र आने वाले अभिनेता जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर, अनुपम खेर थे। और इसके जो पटकथा थे
वह शिव कुमार सुब्रमण्यम थे। यह फिल्म 3 नवंबर 1989 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और यह एक हिंदी भाषा की फिल्म थी। इस फिल्म में आपको दिखाई देगा किशन, जैकी श्रॉफ और करण अनिल कपूर, दोनों भाई मुंबई की गलियों में पले बड़े होते हैं। करण को अच्छी शिक्षा मिलती है और वो आगे बढ़ जाता है। इस कारण किशन को अन्ना सेठ यानी नाना पाटेकर के गैंग में शामिल होना पड़ता है। अन्ना अपने काले धंधे को छुपाने के लिए एक तेल के कारोबार को चलाता है। यह मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंटरटेनिंग रहेगी, तो अनिल कपूर के सारे फैंस इस मूवी को देखकर खुश जरूर होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप अनिल कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर फैंस नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आज की इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम परिंदा मूवी की रिव्यू करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि परिंदा मूवी कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी, यह हिट हुई थी या फ्लॉप, और इसी के साथ इसके मुख्य भूमिका में कौन कौन से एक्टर्स नज़र आए थे। इन सभी के बारे में हम एक एक करके सारी बातें बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मित्रों, दोस्तों, परिंदा मूवी 1989 में बनी एक हिंदी भाषा की नाटकीय फिल्म है, जिसका निर्मित यानी कि इसके जो डायरेक्टर थे वो विधु विनोद चोपड़ा थे और इसके मुख्य भूमिका में लीड रोल में नज़र आने वाले अभिनेता जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर, अनुपम खेर थे। और इसके जो पटकथा थे वह शिव कुमार सुब्रमण्यम थे। यह फिल्म 3 नवंबर 1989 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और यह एक हिंदी भाषा की फिल्म थी। इस फिल्म में आपको दिखाई देगा किशन, जैकी श्रॉफ और करण अनिल कपूर, दोनों भाई मुंबई की गलियों में पले बड़े होते हैं। करण को अच्छी शिक्षा मिलती है और वो आगे बढ़ जाता है। इस कारण किशन को अन्ना सेठ यानी नाना पाटेकर के गैंग में शामिल होना पड़ता है। अन्ना अपने काले धंधे को छुपाने के लिए एक तेल के कारोबार को चलाता है। यह मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंटरटेनिंग रहेगी, तो अनिल कपूर के सारे फैंस इस मूवी को देखकर खुश जरूर होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप अनिल कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर फैंस नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आज की इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम परिंदा मूवी की रिव्यू करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि परिंदा मूवी कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी, यह हिट हुई थी या फ्लॉप, और इसी के साथ इसके मुख्य भूमिका में कौन कौन से एक्टर्स नज़र आए थे। इन सभी के बारे में हम एक एक करके सारी बातें बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मित्रों, दोस्तों, परिंदा मूवी 1989 में बनी एक हिंदी भाषा की नाटकीय फिल्म है, जिसका निर्मित यानी कि इसके जो डायरेक्टर थे वो विधु विनोद चोपड़ा थे और इसके मुख्य भूमिका में लीड रोल में नज़र आने वाले अभिनेता जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर, अनुपम खेर थे। और इसके जो पटकथा थे वह शिव कुमार सुब्रमण्यम थे। यह फिल्म 3 नवंबर 1989 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी
और ये एक हिंदी भाषा की फिल्म थी। इस फिल्म में आपको दिखाई देगा किशन, जैकी श्रॉफ और करण अनिल कपूर, दोनों भाई मुंबई की गलियों में पले बड़े होते हैं। करण को अच्छी शिक्षा मिलती है और वो आगे बढ़ जाता है। इस कारण किशन को अन्ना सेठ यानी नाना पाटेकर के गैंग में शामिल होना पड़ता है। अन्ना अपने काले धंधे को छुपाने के लिए एक तेल के कारोबार को चलाता है। यह मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंटरटेनिंग रहेगी, तो अनिल कपूर के सारे फैंस इस मूवी को देखकर खुश ज़रूर होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप अनिल कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर फैंस नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आज की इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम परिंदा मूवी की रिव्यू करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि परिंदा मूवी कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी, यह हिट हुई थी या फ्लॉप, और इसी के साथ इसके मुख्य भूमिका में कौन कौन से एक्टर्स नज़र आए थे। इन सभी के बारे में हम एक एक करके सारी बातें बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मित्रों, दोस्तों, परिंदा मूवी 1989 में बनी एक हिंदी भाषा की नाटकीय फिल्म है, जिसका निर्मित यानी कि इसके जो डायरेक्टर थे वो विधु विनोद चोपड़ा थे, और इसके मुख्य भूमिका में लीड रोल में नज़र आने वाले अभिनेता जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर, अनुपम खेर थे, और इसके जो पटकथा थे वह शिव कुमार सुब्रमण्यम थे। यह फिल्म 3 नवंबर 1989 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और यह एक हिंदी भाषा की फिल्म थी। इस फिल्म में आपको दिखाई देगा किशन, जैकी श्रॉफ और करण अनिल कपूर, दोनों भाई मुंबई की गलियों में पले बड़े होते हैं। करण को अच्छी शिक्षा मिलती है और वो आगे बढ़ जाता है। इस कारण किशन को अन्ना सेठ यानी नाना पाटेकर के गैंग में शामिल होना पड़ता है। अन्ना अपने काले धंधे को छुपाने के लिए एक तेल के कारोबार को चलाता है। यह मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंटरटेनिंग रहेगी, तो अनिल कपूर के सारे फैंस इस मूवी को देखकर खुश ज़रूर होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप अनिल कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर फैंस नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आज की इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम परिंदा मूवी की रिव्यू करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि परिंदा मूवी कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी, यह हिट हुई थी या फ्लॉप, और इसी के साथ इसके मुख्य भूमिका में कौन कौन से एक्टर्स नज़र आए थे। इन सभी के बारे में हम एक एक करके सारी बातें बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मित्रों, दोस्तों, परिंदा मूवी 1989 में बनी एक हिंदी भाषा की नाटकीय फिल्म है, जिसका निर्मित यानी कि इसके जो डायरेक्टर थे वो विधु विनोद चोपड़ा थे, और इसके मुख्य भूमिका में लीड रोल में नज़र आने वाले अभिनेता जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर, अनुपम खेर थे, और इसके जो पटकथा थे वह शिव कुमार सुब्रमण्यम थे। यह फिल्म 3 नवंबर 1989 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और यह एक हिंदी भाषा की फिल्म थी। इस फिल्म में आपको दिखाई देगा किशन, जैकी श्रॉफ और करण अनिल कपूर, दोनों भाई मुंबई की गलियों में
पले बड़े होते हैं, करण को अच्छी शिक्षा मिलती है और वो आगे बढ़ जाता है। इस कारण किशन को अन्ना सेठ यानी नाना पाटेकर के गैंग में शामिल होना पड़ता है। अन्ना अपने काले धंधे को छुपाने के लिए एक तेल के कारोबार को चलाता है। यह मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंटरटेनिंग रहेगी, तो अनिल कपूर के सारे फैंस इस मूवी को देखकर खुश ज़रूर होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप अनिल कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर फैंस नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आज की इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम परिंदा मूवी की रिव्यू करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि परिंदा मूवी कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी, यह हिट हुई थी या फ्लॉप, और इसी के साथ इसके मुख्य भूमिका में कौन कौन से एक्टर्स नज़र आए थे। इन सभी के बारे में हम एक एक करके सारी बातें बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मित्रों दोस्तों, परिंदा मूवी 1989 में बनी एक हिंदी भाषा की नाटकीय फिल्म है, जिसका निर्मित यानी कि इसके जो डायरेक्टर थे वो विधु विनोद चोपड़ा थे, और इसके मुख्य भूमिका में लीड रोल में नज़र आने वाले अभिनेता जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर, अनुपम खेर थे, और इसके जो पटकथा थे वह शिव कुमार सुब्रमण्यम थे। यह फिल्म 3 नवंबर 1989 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और यह एक हिंदी भाषा की फिल्म थी। इस फिल्म में आपको दिखाई देगा किशन, जैकी श्रॉफ और करण अनिल कपूर दोनों भाई मुंबई की गलियों में पले बड़े होते हैं। करण को अच्छी शिक्षा मिलती है और वो आगे बढ़ जाता है। इस कारण किशन को अन्ना सेठ यानी नाना पाटेकर के गैंग में शामिल होना पड़ता है। अन्ना अपने काले धंधे को छुपाने के लिए एक तेल के कारोबार को चलाता है। यह मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंटरटेनिंग रहेगी, तो अनिल कपूर के सारे फैंस इस मूवी को देखकर खुश ज़रूर होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप अनिल कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर फैंस नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आज की इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम परिंदा मूवी की रिव्यू करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि परिंदा मूवी कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी, यह हिट हुई थी या फ्लॉप, और इसी के साथ इसके मुख्य भूमिका में कौन कौन से एक्टर्स नज़र आए थे। इन सभी के बारे में हम एक एक करके सारी बातें बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मित्रों दोस्तों, परिंदा मूवी 1989 में बनी एक हिंदी भाषा की नाटकीय फिल्म है, जिसका निर्मित यानी कि इसके जो डायरेक्टर थे वो विधु विनोद चोपड़ा थे, और इसके मुख्य भूमिका में लीड रोल में नज़र आने वाले अभिनेता जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर, अनुपम खेर थे, और इसके जो पटकथा थे वह शिव कुमार सुब्रमण्यम थे। यह फिल्म 3 नवंबर 1989 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और यह एक हिंदी भाषा की फिल्म थी। इस फिल्म में आपको दिखाई देगा किशन, जैकी श्रॉफ और करण अनिल कपूर दोनों भाई मुंबई की गलियों में पले बड़े होते हैं। करण को अच्छी शिक्षा मिलती है और वो आगे बढ़ जाता है। इस कारण किशन को अन्ना सेठ यानी नाना पाटेकर के गैंग में शामिल होना पड़ता है।
अन्ना अपने काले धंधे को छुपाने के लिए एक तेल के कारोबार को चलाता है। यह मूवी काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंटरटेनिंग रहेगी, तो अनिल कपूर के सारे फैंस इस मूवी को देखकर खुश जरूर होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में। आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप अनिल कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर फैंस नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आज की इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम परिंदा मूवी की रिव्यू करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि परिंदा मूवी कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी, यह हिट हुई थी या फ्लॉप, और इसी के साथ इसके मुख्य भूमिका में कौन कौन से एक्टर्स नज़र आए थे। इन सभी के बारे में हम एक एक करके सारी बातें बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मित्रों दोस्तों, परिंदा मूवी 1989 में बनी एक हिंदी भाषा की नाटकीय फिल्म है, जिसका निर्मित यानी कि इसके जो डायरेक्टर थे वो विधु विनोद चोपड़ा थे, और इसके मुख्य भूमिका में लीड रोल में नज़र आने वाले अभिनेता जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर, अनुपम खेर थे, और इसके जो पटकथा थे वह शिव कुमार सुब्रमण्यम थे। यह फिल्म 3 नवंबर 1989 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और यह एक हिंदी भाषा की फिल्म थी। इस फिल्म में आपको दिखाई देगा किशन, जैकी श्रॉफ और करण अनिल कपूर दोनों भाई मुंबई की गलियों में पले बड़े होते हैं। करण को अच्छी शिक्षा मिलती है और वो आगे बढ़ जाता है, इस कारण किशन को अन्ना सेठ यानी नाना पाटेकर के गैंग में शामिल होना पड़ता है। अन्ना अपने काले धंधे को छुपाने के लिए एक तेल के कारोबार को चलाता है। यह मूवी काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंटरटेनिंग रहेगी, तो अनिल कपूर के सारे फैंस इस मूवी को देखकर खुश जरूर होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप अनिल कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर फैंस नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आज की इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम परिंदा मूवी की रिव्यू करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि परिंदा मूवी कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी, यह हिट हुई थी या फ्लॉप, और इसी के साथ इसके मुख्य भूमिका में कौन कौन से एक्टर्स नज़र आए थे। इन सभी के बारे में हम एक एक करके सारी बातें बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मित्रों दोस्तों, परिंदा मूवी 1989 में बनी एक हिंदी भाषा की नाटकीय फिल्म है, जिसका निर्मित यानी कि इसके जो डायरेक्टर थे वो विधु विनोद चोपड़ा थे, और इसके मुख्य भूमिका में लीड रोल में नज़र आने वाले अभिनेता जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर, अनुपम खेर थे, और इसके जो पटकथा थे वह शिव कुमार सुब्रमण्यम थे। यह फिल्म 3 नवंबर 1989 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और यह एक हिंदी भाषा की फिल्म थी। इस फिल्म में आपको दिखाई देगा किशन, जैकी श्रॉफ और करण अनिल कपूर दोनों भाई मुंबई की गलियों में पले बड़े होते हैं। करण को अच्छी शिक्षा मिलती है और वो आगे बढ़ जाता है, इस कारण किशन को अन्ना सेठ यानी नाना पाटेकर के गैंग में शामिल होना पड़ता है। अन्ना अपने काले धंधे को छुपाने के लिए एक तेल के कारोबार को चलाता है। यह मूवी काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंटरटेनिंग रहेगी,
तो अनिल कपूर के सारे फैंस इस मूवी को देखकर खुश जरूर होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप अनिल कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर फैंस नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आज की इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम परिंदा मूवी की रिव्यू करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि परिंदा मूवी कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी, यह हिट हुई थी या फ्लॉप, और इसी के साथ इसके मुख्य भूमिका में कौन कौन से एक्टर्स नज़र आए थे, इन सभी के बारे में हम एक एक करके सारी बातें बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मित्रों दोस्तों, परिंदा मूवी 1989 में बनी एक हिंदी भाषा की नाटकीय फिल्म है, जिसका निर्मित यानी कि इसके जो डायरेक्टर थे वो विधु विनोद चोपड़ा थे, और इसके मुख्य भूमिका में लीड रोल में नज़र आने वाले अभिनेता जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर, अनुपम खेर थे, और इसके जो पटकथा थे वह शिव कुमार सुब्रमण्यम थे। यह फिल्म 3 नवंबर 1989 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और यह एक हिंदी भाषा की फिल्म थी। इस फिल्म में आपको दिखाई देगा किशन, जैकी श्रॉफ और करण अनिल कपूर दोनों भाई मुंबई की गलियों में पले बड़े होते हैं। करण को अच्छी शिक्षा मिलती है और वो आगे बढ़ जाता है, इस कारण किशन को अन्ना सेठ यानी नाना पाटेकर के गैंग में शामिल होना पड़ता है। अन्ना अपने काले धंधे को छुपाने के लिए एक तेल के कारोबार को चलाता है। यह मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंटरटेनिंग रहेगी, तो अनिल कपूर के सारे फैंस इस मूवी को देखकर खुश ज़रूर होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप अनिल कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर फैंस नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आज की इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम परिंदा मूवी की रिव्यू करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि परिंदा मूवी कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी, यह हिट हुई थी या फ्लॉप, और इसी के साथ इसके मुख्य भूमिका में कौन कौन से एक्टर्स नज़र आए थे, इन सभी के बारे में हम एक एक करके सारी बातें बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मित्रों दोस्तों, परिंदा मूवी 1989 में बनी एक हिंदी भाषा की नाटकीय फिल्म है, जिसका निर्मित यानी कि इसके जो डायरेक्टर थे वो विधु विनोद चोपड़ा थे, और इसके मुख्य भूमिका में लीड रोल में नज़र आने वाले अभिनेता जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर, अनुपम खेर थे, और इसके जो पटकथा थे वह शिव कुमार सुब्रमण्यम थे। यह फिल्म 3 नवंबर 1989 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और यह एक हिंदी भाषा की फिल्म थी। इस फिल्म में आपको दिखाई देगा किशन, जैकी श्रॉफ और करण अनिल कपूर दोनों भाई मुंबई की गलियों में पले बड़े होते हैं। करण को अच्छी शिक्षा मिलती है और वो आगे बढ़ जाता है, इस कारण किशन को अन्ना सेठ यानी नाना पाटेकर के गैंग में शामिल होना पड़ता है। अन्ना अपने काले धंधे को छुपाने के लिए एक तेल के कारोबार को चलाता है। यह मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंटरटेनिंग रहेगी, तो अनिल कपूर के सारे फैंस इस मूवी को देखकर खुश ज़रूर होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं।
अगर आप अनिल कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर फैंस नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आज की इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम परिंदा मूवी की रिव्यू करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि परिंदा मूवी कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी, यह हिट हुई थी या फ्लॉप, और इसी के साथ इसके मुख्य भूमिका में कौन कौन से एक्टर्स नज़र आए थे। इन सभी के बारे में हम एक एक करके सारी बातें बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मित्रों दोस्तों, परिंदा मूवी 1989 में बनी एक हिंदी भाषा की नाटकीय फिल्म है, जिसका निर्मित यानी कि इसके जो डायरेक्टर थे वो विधु विनोद चोपड़ा थे, और इसके मुख्य भूमिका में लीड रोल में नज़र आने वाले अभिनेता जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर, अनुपम खेर थे, और इसके जो पटकथा थे वह शिव कुमार सुब्रमण्यम थे। यह फिल्म 3 नवंबर 1989 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और यह एक हिंदी भाषा की फिल्म थी। इस फिल्म में आपको दिखाई देगा किशन, जैकी श्रॉफ और करण अनिल कपूर दोनों भाई मुंबई की गलियों में पले बड़े होते हैं। करण को अच्छी शिक्षा मिलती है और वो आगे बढ़ जाता है, इस कारण किशन को अन्ना सेठ यानी नाना पाटेकर के गैंग में शामिल होना पड़ता है। अन्ना अपने काले धंधे को छुपाने के लिए एक तेल के कारोबार को चलाता है। यह मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंटरटेनिंग रहेगी, तो अनिल कपूर के सारे फैंस इस मूवी को देखकर खुश जरूर होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिल मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप अनिल कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर फैंस नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आज की इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम परिंदा मूवी की रिव्यू करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि परिंदा मूवी कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी, यह हिट हुई थी या फ्लॉप, और इसी के साथ इसके मुख्य भूमिका में कौन कौन से एक्टर्स नज़र आए थे। इन सभी के बारे में हम एक एक करके सारी बातें बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मित्रों दोस्तों, परिंदा मूवी 1989 में बनी एक हिंदी भाषा की नाटकीय फिल्म है, जिसका निर्मित यानी कि इसके जो डायरेक्टर थे वो विधु विनोद चोपड़ा थे, और इसके मुख्य भूमिका में लीड रोल में नज़र आने वाले अभिनेता जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर, अनुपम खेर थे, और इसके जो पटकथा थे वह शिव कुमार सुब्रमण्यम थे। यह फिल्म 3 नवंबर 1989 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और यह एक हिंदी भाषा की फिल्म थी। इस फिल्म में आपको दिखाई देगा किशन, जैकी श्रॉफ और करण अनिल कपूर दोनों भाई मुंबई की गलियों में पले बड़े होते हैं। करण को अच्छी शिक्षा मिलती है और वो आगे बढ़ जाता है, इस कारण किशन को अन्ना सेठ यानी नाना पाटेकर के गैंग में शामिल होना पड़ता है। अन्ना अपने काले धंधे को छुपाने के लिए एक तेल के कारोबार को चलाता है। यह मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंटरटेनिंग रहेगी, तो अनिल कपूर के सारे फैंस इस मूवी को देखकर खुश जरूर होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिल मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप अनिल कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर फैंस नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आज की इस
मूवी रिव्यू की वीडियो में हम परिंदा मूवी की रिव्यू करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि परिंदा मूवी कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी, यह हिट हुई थी या फ्लॉप, और इसी के साथ इसके मुख्य भूमिका में कौन कौन से एक्टर्स नज़र आए थे। इन सभी के बारे में हम एक एक करके सारी बातें बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मित्रों दोस्तों, परिंदा मूवी 1989 में बनी एक हिंदी भाषा की नाटकीय फिल्म है, जिसका निर्मित यानी कि इसके जो डायरेक्टर थे वो विधु विनोद चोपड़ा थे, और इसके मुख्य भूमिका में लीड रोल में नज़र आने वाले अभिनेता जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर, अनुपम खेर थे, और इसके जो पटकथा थे वह शिव कुमार सुब्रमण्यम थे। यह फिल्म 3 नवंबर 1989 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और यह एक हिंदी भाषा की फिल्म थी। इस फिल्म में आपको दिखाई देगा किशन, जैकी श्रॉफ और करण अनिल कपूर दोनों भाई मुंबई की गलियों में पले बड़े होते हैं। करण को अच्छी शिक्षा मिलती है और वो आगे बढ़ जाता है, इस कारण किशन को अन्ना सेठ यानी नाना पाटेकर के गैंग में शामिल होना पड़ता है। अन्ना अपने काले धंधे को छुपाने के लिए एक तेल के कारोबार को चलाता है। यह मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंटरटेनिंग रहेगी, तो अनिल कपूर के सारे फैंस इस मूवी को देखकर खुश ज़रूर होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप अनिल कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर फैंस नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आज की इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम परिंदा मूवी की रिव्यू करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि परिंदा मूवी कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी, यह हिट हुई थी या फ्लॉप, और इसी के साथ इसके मुख्य भूमिका में कौन कौन से एक्टर्स नज़र आए थे। इन सभी के बारे में हम एक एक करके सारी बातें बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मित्रों दोस्तों, परिंदा मूवी 1989 में बनी एक हिंदी भाषा की नाटकीय फिल्म है, जिसका निर्मित यानी कि इसके जो डायरेक्टर थे वो विधु विनोद चोपड़ा थे, और इसके मुख्य भूमिका में लीड रोल में नज़र आने वाले अभिनेता जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर, अनुपम खेर थे, और इसके जो पटकथा थे वह शिव कुमार सुब्रमण्यम थे। यह फिल्म 3 नवंबर 1989 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और यह एक हिंदी भाषा की फिल्म थी। इस फिल्म में आपको दिखाई देगा किशन, जैकी श्रॉफ और करण अनिल कपूर दोनों भाई मुंबई की गलियों में पले बड़े होते हैं। करण को अच्छी शिक्षा मिलती है और वो आगे बढ़ जाता है, इस कारण किशन को अन्ना सेठ यानी नाना पाटेकर के गैंग में शामिल होना पड़ता है। अन्ना अपने काले धंधे को छुपाने के लिए एक तेल के कारोबार को चलाता है। यह मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंटरटेनिंग रहेगी, तो अनिल कपूर के सारे फैंस इस मूवी को देखकर खुश ज़रूर होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप अनिल कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर फैंस नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आज की इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम परिंदा मूवी की रिव्यू करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि परिंदा मूवी कब बनी थी,
इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी, यह हिट हुई थी या फ्लॉप, और इसी के साथ इसके मुख्य भूमिका में कौन कौन से एक्टर्स नज़र आए थे, इन सभी के बारे में हम एक एक करके सारी बातें बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मित्रों दोस्तों, परिंदा मूवी 1989 में बनी एक हिंदी भाषा की नाटकीय फिल्म है, जिसका निर्मित यानी कि इसके जो डायरेक्टर थे वो विधु विनोद चोपड़ा थे, और इसके मुख्य भूमिका में लीड रोल में नज़र आने वाले अभिनेता जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर, अनुपम खेर थे, और इसके जो पटकथा थे वह शिव कुमार सुब्रमण्यम थे। यह फिल्म 3 नवंबर 1989 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और यह एक हिंदी भाषा की फिल्म थी। इस फिल्म में आपको दिखाई देगा किशन, जैकी श्रॉफ और करण अनिल कपूर दोनों भाई मुंबई की गलियों में पले बड़े होते हैं। करण को अच्छी शिक्षा मिलती है और वो आगे बढ़ जाता है। इस कारण किशन को अन्ना सेठ यानी नाना पाटेकर के गैंग में शामिल होना पड़ता है। अन्ना अपने काले धंधे को छुपाने के लिए एक तेल के कारोबार को चलाता है। यह मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंटरटेनिंग रहेगी, तो अनिल कपूर के सारे फैंस इस मूवी को देखकर खुश जरूर होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप अनिल कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर फैंस नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आज की इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम परिंदा मूवी की रिव्यू करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि परिंदा मूवी कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी, यह हिट हुई थी या फ्लॉप, और इसी के साथ इसके मुख्य भूमिका में कौन कौन से एक्टर्स नज़र आए थे, इन सभी के बारे में हम एक एक करके सारी बातें बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मित्रों दोस्तों, परिंदा मूवी 1989 में बनी एक हिंदी भाषा की नाटकीय फिल्म है, जिसका निर्मित यानी कि इसके जो डायरेक्टर थे वो विधु विनोद चोपड़ा थे, और इसके मुख्य भूमिका में लीड रोल में नज़र आने वाले अभिनेता जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर, अनुपम खेर थे, और इसके जो पटकथा थे वह शिव कुमार सुब्रमण्यम थे। यह फिल्म 3 नवंबर 1989 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और यह एक हिंदी भाषा की फिल्म थी। इस फिल्म में आपको दिखाई देगा किशन, जैकी श्रॉफ और करण अनिल कपूर दोनों भाई मुंबई की गलियों में पले बड़े होते हैं। करण को अच्छी शिक्षा मिलती है और वो आगे बढ़ जाता है। इस कारण किशन को अन्ना सेठ यानी नाना पाटेकर के गैंग में शामिल होना पड़ता है। अन्ना अपने काले धंधे को छुपाने के लिए एक तेल के कारोबार को चलाता है। यह मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंटरटेनिंग रहेगी, तो अनिल कपूर के सारे फैंस इस मूवी को देखकर खुश जरूर होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप अनिल कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर फैंस नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आज की इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम परिंदा मूवी की रिव्यू करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि परिंदा मूवी कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी, यह हिट हुई थी या फ्लॉप,
और इसी के साथ इसके मुख्य भूमिका में कौन कौन से एक्टर्स नज़र आए थे, इन सभी के बारे में हम एक एक करके सारी बातें बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मित्रों दोस्तों, परिंदा मूवी 1989 में बनी एक हिंदी भाषा की नाटकीय फिल्म है, जिसका निर्मित यानी कि इसके जो डायरेक्टर थे वो विधु विनोद चोपड़ा थे, और इसके मुख्य भूमिका में लीड रोल में नज़र आने वाले अभिनेता जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर, अनुपम खेर थे, और इसके जो पटकथा थे वह शिव कुमार सुब्रमण्यम थे। यह फिल्म 3 नवंबर 1989 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और यह एक हिंदी भाषा की फिल्म थी। इस फिल्म में आपको दिखाई देगा किशन, जैकी श्रॉफ और करण अनिल कपूर दोनों भाई मुंबई की गलियों में पले बड़े होते हैं। करण को अच्छी शिक्षा मिलती है और वो आगे बढ़ जाता है। इस कारण किशन को अन्ना सेठ यानी नाना पाटेकर के गैंग में शामिल होना पड़ता है। अन्ना अपने काले धंधे को छुपाने के लिए एक तेल के कारोबार को चलाता है। यह मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंटरटेनिंग रहेगी, तो अनिल कपूर के सारे फैंस इस मूवी को देखकर खुश ज़रूर होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप अनिल कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर फैंस नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आज की इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम परिंदा मूवी की रिव्यू करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि परिंदा मूवी कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी, यह हिट हुई थी या फ्लॉप, और इसी के साथ इसके मुख्य भूमिका में कौन कौन से एक्टर्स नज़र आए थे, इन सभी के बारे में हम एक एक करके सारी बातें बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मित्रों दोस्तों, परिंदा मूवी 1989 में बनी एक हिंदी भाषा की नाटकीय फिल्म है, जिसका निर्मित यानी कि इसके जो डायरेक्टर थे वो विधु विनोद चोपड़ा थे, और इसके मुख्य भूमिका में लीड रोल में नज़र आने वाले अभिनेता जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर, अनुपम खेर थे, और इसके जो पटकथा थे वह शिव कुमार सुब्रमण्यम थे। यह फिल्म 3 नवंबर 1989 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और यह एक हिंदी भाषा की फिल्म थी। इस फिल्म में आपको दिखाई देगा किशन, जैकी श्रॉफ और करण अनिल कपूर दोनों भाई मुंबई की गलियों में पले बड़े होते हैं। करण को अच्छी शिक्षा मिलती है और वो आगे बढ़ जाता है। इस कारण किशन को अन्ना सेठ यानी नाना पाटेकर के गैंग में शामिल होना पड़ता है। अन्ना अपने काले धंधे को छुपाने के लिए एक तेल के कारोबार को चलाता है। यह मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंटरटेनिंग रहेगी, तो अनिल कपूर के सारे फैंस इस मूवी को देखकर खुश ज़रूर होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं